यस सर। ओके तो इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर क्या है। पैरामीटर इज अ वैल्यू पास फ्रॉम द मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोसीजर और फंक्शन, यानी वो वैल्यू जो मेन प्रोग्राम की तरफ से किसी भी प्रोसीजर या फंक्शन को पास की जाए उसको हम कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। और ये डिफाइन किया जाता है एट प्रोसीजर और फंक्शन। अब यहाँ पे दिया हुआ डिक्लेरेशन ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर आर डिक्लेयर विद इन पैरेंथेसिस फॉलोइंग द सब रूटीन नेम। जहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखते हैं प्रोसीजर का नाम लिखते हैं उसके साथ ही हम इसको पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। अगर आपको याद हो हमने शुरू से ही करते आ रहे हैं प्रोसीजर, यहाँ पे प्रोसीजर का नाम, ये पैरामीटर 1 आएगा डेटा टाइप के साथ, पैरामीटर 2 आएगा डेटा टाइप के साथ, और एंड प्रोसीजर आएगा। इसी तरह एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन है फंक्शन फंक्शन नेम पैरामीटर 1 विद डेटा टाइप, पैरामीटर 2 विद डेटा टाइप एंड फंक्शन। अच्छा अब ये कह रहे हैं रिक्वायरमेंट फॉर मैचिंग पैरामीटर, अ सब रूटीन डिक्लेयर्ड विद पैरामीटर मस्ट बी कॉल्ड यूजिंग सेम नंबर ऑफ पैरामीटर। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि फंक्शन मेन फंक्शन से वैल्यूज पास की जाती हैं फंक्शन को या प्रोसीजर को, अगर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वैल्यूज पास कर रहे हैं तो जितनी वैल्यूज पास कर रहे हैं उतने ही पैरामीटर होने चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रोसीजर हमने बनाया टोटल के नाम से, नम वन और नम टू ये दो पैरामीटर है और यहाँ पे एंड प्रोसीजर, तो यहाँ से जो वैल्यू सप्लाई होगी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना टोटल के नाम से हमने बनाया था ना, तो 1 इसको जाएगा 2 इसको जाएगा, जितने पैरामीटर होंगे उतनी वैल्यू सप्लाई करने हैं यूजिंग वेरिएबल टोटल नंबर 1 नंबर 2। आप नंबर 1 नंबर 2 का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट नेम ऑफ वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगी, जितने यहाँ पे हैं उतने ही यहाँ पे होंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये स्टूडेंट्स इज दिस क्लियर? ठीक सर क्लियर है। हाँ है उस साहब को क्लियर है? जी अच्छा सर, अब ओके ओके यस अब ये देखें हमने एग्जांपल ली है। अब फंक्शन टेक टू टू नंबर्स डिवाइड देम एंड रिटर्न द रिजल्ट एज ए रियल नंबर, ठीक है। तो फंक्शन में फंक्शन और प्रोसीजर में डिफरेंस ये है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया फंक्शन और फंक्शन का नाम डिवीजन रखा, ठीक है। ये इस फंक्शन का पहला पैरामीटर है और इसकी डेटा टाइप अपने इसके साथ ही लिखनी होती है रियल। ये सेकेंड पैरामीटर है और इसकी डेटा टाइप, और ये रिटर्न करेगा रियल रियल, ये जो रिटर्न करेगा ये रिजल्ट होता है यानी आउटपुट। तो ये भी आपने बताना होता है, पहले से पता होना चाहिए कि फंक्शन किस फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, ये हमने अपना लॉजिक लिख दी या कोड लिख दिया जिसको हमने रन करना है। ये आपका मेन होता है, मेन मेन से आपने फंक्शन को कॉल करना होता है। देखिए यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं लेकिन हमें एक वेरिएबल चाहिए, जब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा तो इसको यहाँ पे स्टोर होना होता है। तो यहाँ से हम कॉल करें डिवीजन 10,2, तो ये दो वैल्यू इधर चलेगी, ये फर्स्ट ये इस तरह जाएगी, फर्स्ट की वैल्यू इधर गई फर्स्ट के पास और 10 फर्स्ट के पास चला गया, 2 सेकेंड के पास चला गया। उसके बाद इसने कंट्रोल इधर दे दिया फर्स्ट को और सेकेंड ने कंट्रोल इधर दे दिया, ठीक है। अब इसने जो भी वैल्यू है इसको रिटर्न की मेन को और रिजल्ट में स्टोर कर दी और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवा लिया, आउटपुट करवा लिया। लेकिन उससे पहले आपने मेन के अंदर वेरिएबल एक रिजल्ट के नाम से डिक्लेयर भी कर देना जिसकी रेड रिटर्न होगी क्योंकि और रियल होगी, यहाँ पे हमने मैंशन किया हुआ है। इसको राइट कर ले अपने पास, इसको अच्छी तरह समझ ले, हमेशा ऐसे ही राइट करते हैं, ठीक है। फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, फर्स्ट पहला पैरामीटर सेकंड दूसरा पैरामीटर, इसकी डेटा टाइप रियल है, इसकी डेटा टाइप रियल है और ये रिटर्न भी रियल कर रहा है। और यहाँ पे हमने फंक्शन लिख दिया, एवरी टाइम हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एवरी टाइम हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, डिक्लेयर रिजल्ट और डेटा टाइप रियल। ये देखो रियल है तो ये यहाँ पे सेम होना चाहिए, यहाँ पे रियल है तो यहाँ पे भी रियल होना चाहिए क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो रियल फॉर्म में रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे मेन के अंदर रहते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं,
ये फंक्शन वाला प्रोग्राम समझ में आ गया सबको? भूसा एंड नौफल, ये समझ में आ गया आपको? यस सर, इसको राइट कर लिया आपने? ठीक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है, नौफल आपको समझ में आया? ये फिर नहीं सर, मुझे एक बहुत बड़ा बता दो। बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी हुई है, अ फंक्शन टेक्स टू नंबर, डिवाइड देम एंड रिटर्न द रिजल्ट एज ए रियल नंबर। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमने फंक्शन लिखा कैपिटल वर्ड्स में और फंक्शन का नाम लिखा डिवीजन। यहाँ पर टू नंबर्स ये लिखा ना, टेक्स टू नंबर, इसका मतलब इसको दो नंबर, दो वैल्यूज हमने पास करनी है। जितनी वैल्यू पास करनी होती है उतने ही पैरामीटर यानी वेरिएबल होना चाहिए। फर्स्ट इज अ पैरामीटर, सेकेंड इज अ पैरामीटर, और इनकी डेटा भी हमने यहाँ पे डिफाइन करनी थी, दैट इज रियल एंड दैट इज रियल, और ये रिटर्न करेगा रियल। फिर हमने फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकेंड से, और यहाँ पे लिखा रिटर्न, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, या तो आप इसको प्रिंट करवा लें या रिटर्न करवा लें। हमने इसको रिटर्न करवा लिया, रिटर्न करवाया तो वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर होगी, लेकिन ये आउटपुट वेरिएबल है तो हमें यहाँ पे पहले से बताना पड़ेगा रिटर्न रियल, आउटपुट वेरिएबल किस फॉर्म में डेटा रिटर्न करेगा, तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जी, तो यहाँ पे हमने इसको कॉल किया, ये रिटर्न किया, बेसिकली ये आपका कॉलिंग है, फंक्शन को कॉल करना हो। तो हमने 10 यहाँ पे, ये 10 फर्स्ट के पास चला गया, 2 सेकंड के पास चला गया, 10 डिवाइड बाई 2 रिजल्ट आया 5, तो ये यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, हम आज कर रहे हैं फंक्शन विद पैरामीटर। लास्ट टाइम हमने किया था फंक्शन विदाउट पैरामीटर, ठीक है, अभी हम कर रहे हैं फंक्शन विद पैरामीटर। मानिए आप ये एक दफ़ा पढ़ लें, एक दफ़ा, फिर मैं प्रोग्राम को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी मानिए, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी? वालेकुम सलाम। यस, अच्छा, हम कर रहे हैं फंक्शन विद पैरामीटर, ठीक है। लास्ट टाइम हमने किया था ना फंक्शन विदाउट पैरामीटर, याद है आपको? ठीक यस सर। है, ये जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर ले, देन मैं इसी को प्रोग्राम के थ्रू फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, पढ़ लिया आपने? ठीक यस सर। है, अब आप देखें इसको, हम यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। नौफिल आप भी देख लें, फंक्शन है बनाना, तो एक फंक्शन बनाना जो कि दो वैल्यूज लेगा, दैट टेक टू नंबर, डिवाइड देम एंड रिटर्न द रिजल्ट एज ए रियल नंबर। तो हमने हर चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई कर, ऑब्वियसली आप दो नंबर जो आप सप्लाई करेंगे या तो वो इंटीजर होगा या रियल होगा। हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा कैपिटल वर्ड में, फंक्शन का नाम लिखा जिसको आइडेंटिफायर कहते हैं, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर आपने डिफाइन करना है। फर्स्ट इज द पहला फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड इज द सेकंड पैरामीटर। यहाँ पे हमने रेड एफ रियल रखी, ये आपने कॉलन भी लगाना है और कॉमा लगा के सेकंड पैरामीटर डिफाइन करना है, ये कॉलन यहाँ पे, और जिस फॉर्म में वैल्यू रिटर्न होगी वो आपने यहाँ पहले से बता देना है, रिटर्न रियल। और ये आपने लॉजिक ली थी कि फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से और ये वैल्यू रिटर्न करेगी, ये वैल्यू मेन को रिटर्न होगी, मेन, ये मेन फंक्शन, दिस इज द मेन फंक्शन, ये रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। और हम यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हमने यहाँ से वैल्यू सप्लाई की, फर्स्ट को चली गई और 2 जो है सेकंड को चला गया, इसने 10 को 2 से डिवाइड किया और वापस रिजल्ट दे दिया, और यहाँ पे हमने आउटपुट करवा लिया। लेकिन जो रिजल्ट आउटपुट करवाया है उसको पहले आपने मेन के अंदर डिक्लेयर भी करना है इन दी फॉर्म ऑफ रियल, ये देखें दोनों सेम है, समझ आया? ये जो फॉरवर्ड स्लैश लगे हुए ना, ये कमेंट्स होते हैं, कॉल द डिविजन फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट 10 एंड 2, तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं।
आउटपुट दरअसल ये जो फॉरवर्ड से लगे होते हैं ये कमेंट होते हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं लाइन ऑफ कोड को। ठीक है, सबको क्लियर है प्रोग्राम? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। जी आगे मूव करें, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, द डिवीजन फंक्शन डिजाइन टू एक्सेप्ट पैरामीटर ऑफ टाइप रियल फर्स्ट एंड सेकंड एंड रिटर्न अ रियल वैल्यू इन द मेन प्रोग्राम। द वेरिएबल रिजल्ट इज डिक्लेयर टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ डिवीजन। ठीक है, द डिवीजन फंक्शन इज कॉल्ड विद 10 एंड 2 एज आर्ग्यूमेंट और द रिजल्ट ऑफ डिवीजन 5.0 इज स्टोर्ड इन द रिजल्ट। द प्रोग्राम आउटपुट द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट, दैट्स इट, मेन प्रोग्राम ही आउटपुट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आ गई है, राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ टेम्परेचर फ्रॉम फारेनहाइट टू सेल्सियस। द प्रोग्राम शुड कंटेन अ फंक्शन सेल्सियस दैट एक्सेप्ट अ फारेनहाइट टेम्परेचर एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न द करस्पॉन्डिंग सेल्सियस वैल्यू। द प्रोग्राम शुड देन आउटपुट द सेल्सियस टेम्परेचर। जी इसका है, ये हो जाएगा आप लोगों से। जी मूसा आप कर लेंगे प्रोग्राम। हमने एक प्रोग्राम राइट करना है दैट कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फॉरन हाइट टू सेल्सियस। इसका मतलब फॉरन हाइट के में वैल्यू पास करेंगे और सेल्सियस यानी सेंट सेल्सियस में कन्वर्ट करेगा। द प्रोग्राम शुड कंटेन अ फंक्शन सेल्सियस, सेल्सियस के नाम से फंक्शन बनाएंगे दैट एक्सेप्ट फॉरन हाइट टेम्परेचर एज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ यानी जो वैल्यू पास करेंगे फॉरन हाइट में होगी एंड रिटर्न द करस्पॉन्डिंग सेल्सियस वैल्यू। द प्रोग्राम शुड दैट आउटपुट द सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस में हमने आउटपुट शो करना है। आपको फार्मूला पता है सबको? जी एनी आइडिया? ये स्टूडेंट आर यू देयर? ठीक यस सर। तो ये प्रोग्राम हो जाएगा आप लोगों से या मैं डिस्कस कर लूँ? जी नौफिल, मानिया, सर डिस्कस कर लें। चल ये देखें, ये देखें, हमने पहले फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन का नाम सेल्सियस लिखा एज पर रिक्वायरमेंट, और हमें एक पैरामीटर चाहिए टेम्परेचर के नाम से जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और इसकी रेड रियल होगी और इसको रिटर्न भी रियल में करना है क्योंकि ये टेम्परेचर हमेशा डेसिमल में होता है। ठीक है, जहाँ पे आपने फार्मूला लिख दिया जो भी वैल्यू आएगी उस वो उसमें से -32 करेंगे और डिवाइड 1.8 करेंगे तो आपका जो जो वैल्यू है वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रिटर्न करेगा, अब रिटर्न करेगा तो वैल्यू कहाँ जाएगी? माई टाइम के अंदर जाएगी यहाँ, लेकिन उससे पहले हम इसको कॉल करेंगे, ये काम पहले बाद में होगा। अच्छा, चूंकि हमें जब भी वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए, हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया माई टाइम और डेटा टाइप रियल। ठीक है, ये वैल्यू हमने 98.6 जो है ये माई टाइम में स्टोर कर दी। ठीक, और यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे कॉल किया जाता है, यहाँ तो वैल्यू यहाँ पे लिखोगे या फिर उसका वेरिएबल नेम रखोगे जहाँ जो कि वैल्यू स्टोर कर रही हो, ये हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। जब हमने कॉल किया तो 98 पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, 98.6 जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, उसमें से -32 और डिवाइड बाय 1.8 आया, डिवाइड किया जो भी रिजल्ट आया वो उसने रिटर्न कर दिया, रिटर्न हुआ तो यहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू असाइन हो रही है, ये यहाँ पे स्टोर हो गया और यहाँ पे हमने इसको आउटपुट कर लिया माई टाइम आउटपुट द सेल्सियस वैल्यू। ये जो फॉरवर्ड से लगे होते हैं कमेंट्स होते हैं, ये बता रहे हैं कि इसमें यहाँ पे हो क्या रहा है। और कमेंट्स लिखने थे, क्या कमेंट्स? हाँ कमेंट लिखने लिखने, हाँ कमेंट लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो कहता है आपसे ना राइट अ कमेंट। ये फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कमेंट्स, कमेंट का मतलब है कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इस लाइन को आपने क्यों लिखा, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वाय। तो हमने यहाँ देखे ना
क्या लिखा हुआ, असाइन अ फॉरन वैल्यू टू माई टाइम, तो फॉरन वैल्यू हमने माई टाइम को असाइन कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ट माई टाइम टू सेल्सियस यूजिंग द सेल्सियस फंक्शन, तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉल हो रहा है। आउटपुट द सेल्सियस वैल्यू, आउटपुट माई टाइम, जी माने क्लियर है आपको? नॉफेल इसमें कोई इश्यू? ठीक यस सर, है, इसका नो स्क्रीन, सर, नो सर, कौन इसका स्क्रीनशॉट ले सी लें, ठीक बात? है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ बेसिक चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे आप फंक्शन लिखेंगे, कैपिटल वर्ड में फंक्शन का नाम लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, आपको ज़्यादातर दो ही आएगा या तीन आएगा बहुत, डन और आप स्क्रीनशॉट सर। ठीक है, और यहाँ पे आपने रिटर्न करना होता है जिस फॉर्म में आपसे कहा जाता है उस फॉर्म में आपने रिटर्न करना, और इसके लिए ना हैंड रिटन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, यू शुड हैव प्रैक्टिस, आपको पूरा फॉर्मेट आना चाहिए इसका, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी, फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए, ये बेसिकली ये जो पार्ट है ये फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन एंड फंक्शन तक जो कुछ भी है फंक्शन डेफिनेशन है, ये यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, कॉल कर रहे हैं विद इन दी मेन प्रोग्राम, विद इन दी मेन प्रोग्राम फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, इसके साथ रिटर्न का वर्ड आएगा, ये रिटर्न करेगा, हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, इसके लिए हमें वेरिएबल डिफाइन करना होगा, इसीलिए हम यहाँ पे भी रिटर्न लिखते हैं, ये देखें 37 इसका आउटपुट, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, द सेल्सियस फंक्शन इज डिफाइंड टू एक्सेप्ट अ फॉरनहाइट टेम्परेचर रियल एंड रिटर्न इट सेल्सियस इक्विवेलेंट रियल, द मेन प्रोग्राम इनिशियलाइज माई टाइम विद अ फॉरनहाइट एग्जाम्पल 898.6, हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी, द सेल्सियस फंक्शन इज कॉल्ड टू कन्वर्ट माई टाइम इन टू सेल्सियस एंड द रिजल्ट इज रीअसाइंड टू माई टाइम, यहाँ पे जहाँ सेल्सियस फंक्शन हम कॉल किया वैल्यू रिटर्न होगी तो माई टाइम में स्टोर कर दी, द प्रोग्राम आउटपुट द सेल्स नंबर स्टोर्ड इन माई टाइम, ठीक है, अच्छा यस सर, ये है ड्राई रन ना, इसको भी देख लेते हैं, स्टेप वन पे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, द प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, अच्छा स्टेप टू में क्या हो रहा है, 98.6 हमने माई टाइम को असाइन कर दिया, तो वैल्यू माई टाइम क्या होगा, 98.6 असाइन 86 98.6 फॉरनहाइट टू माई टाइम, थर्ड स्टेज पे क्या हो रहा है, कॉल हमने कॉल किया सेल्सियस माई टाइम को, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर है माई टाइम की 98.6, कॉल द सेल्सियस फंक्शन विद माई टाइम एज द आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट होता है, नंबर फोर स्टेज पे क्या हुआ, 98.6 फंक्शन एग्जीक्यूशन बिगन इन साइड सेल्सियस फंक्शन टेम्परेचर इज इक्वल टू 98.6, ये हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया, अब ये रिटर्न कर रहा है 98.6 क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, अब यहाँ फार्मूले में हम पुटअप किया वैल्यू को 98.6 डिवाइड माइनस वैल्यू डिवाइड बाई 1.8, इसने रिटर्न किया 37, ठीक है, परफॉर्म कैलकुलेशन, कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, रिटर्न वैल्यू टू माई टाइम की वैल्यू रिटर्न होगी, इसने ये होल्ड कर ली, और उसके बाद हमने कर लिया आउटपुट माई टाइम, आउटपुट हो गया, प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है, ये ड्राई रन होता है काइंड ऑफ दैट, ओके ये एक और रिक्वायरमेंट आ गई है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, इसको हम बाद में करते हैं, अभी तक इसको के इसको करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, चलें ये देखें, क्रिएट अ फंक्शन दैट विल रिटर्न लेंथ ऑफ पासवर्ड टेकन एज पैरामीटर, जी मूसा बोले, बूलियन सर हम बूलियन लॉजिक कब करेंगे सर? वो लॉजिक का मतलब चैप्टर है। अच्छा वो लॉजिक सर लॉजिक गेट की बात कर रहे हो, यस सर।
ये मैं नेक्स्ट टॉपिक है ना, एरे एरे डिस्कस करने के बाद कर लूंगा, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ठीक है? ओके वो चैप्टर 10 है ना आपका? जी, यस बाकी लोगों ने पढ़ा हुआ चैप्टर 10? ठीक नो सर। है, चैप्टर 10, 9 जो है वो डेटाबेस का है, चैप्टर 10 बूलियन लॉजिक है। अभी हमारा चैप्टर 7 और 8 एक साथ चल रहा है, ठीक है? ओके, ये बताएं ये फंक्शन हो जाएगा आप लोगों से, ये प्रोग्राम हो जाएगा, क्रिएट अ फंक्शन दैट विल रिटर्न लेंथ ऑफ पासवर्ड टेकन एज पैरामीटर। यानी एक पासवर्ड जो आप वैल्यू पास करेंगे उसकी लेंथ रिटर्न करेगा। यानी अगर आप 10 करेक्टर उसको पास करते हैं तो वो बताएगा आपने पासवर्ड में 10 करेक्टर स्टोर यूज किया है। जी स्टूडेंट, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। सर, आई एम नॉट श्योर। ओके मूसा, आप चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने फंक्शन फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन को हमने डिफाइन किया, दिस इज फंक्शन, और ये फंक्शन का नाम हमने पास लेंथ रख दिया, और ब्रैकेट के अंदर हमने एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया पास के नाम से, और उसकी डेरिवेटिव स्ट्रिंग, क्योंकि लेंथ हमें चाहिए तो रिटर्न करेगा इंटीजर। लेंथ जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर इंटीजर होता है, इसलिए हमें रिटर्न कर दिया इंटीजर, ठीक है? और अब लेंथ, अब ये एक बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ, ठीक है? यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसकी लेंथ निकाल के रिटर्न कर देगा। अब जब रिटर्न करेगा तो ये एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कॉल द पास लेंथ फंक्शन विद द स्ट्रिंग अली एंड स्टोर द रिजल्ट इन एक्स। तो हमने यहाँ पे अली नाम की स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहते हैं सीरीज ऑफ कैरेक्टर को जो डबल कोटेशन के अंदर राइट की गई। हमने अली अली नाम की स्ट्रिंग को पास किया इधर, ठीक है? इसने कंट्रोल इधर दिया, ठीक है? और बिल्ट इन फंक्शन ने लेंथ कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया, एक्स में स्टोर हो, ठीक है? और यहाँ पे आउटपुट एक्स कर दिया, तो ये आउटपुट करेगा 3 3 कैरेक्टर रिटर्न आउटपुट करेगा। अब इसको मुझे बताएं इसमें क्या हो रहा है। मूसा, आप बताएं इस फंक्शन में क्या हो रहा है, कैन एक्सप्लेन? यस यस, सर, रिलेटेड। हाँ है, ठीक, एक्सप्लेन कर सकते हो यस इसको, थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। ठीक सर, सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा है, है, ठीक ओके, हमने है, और फिर वेरिएबल लिखा है। पैरामीटर, वेरिएबल ही है लेकिन हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं पैरामीटर, पास के नाम से एक पैरामीटर राइट किया है, उसकी डेटा टाइप क्या है? फिर हमने इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, मतलब हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग क्यों रखी है? हाँ, पासवर्ड की डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है। मतलब हम जो वैल्यू पास करेंगे वो स्ट्रिंग फॉर्म में है ना, इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग रखा है। और उसके बाद क्या हुआ? जी बोले, उसके बाद क्या हुआ? ओके, मानिए आप एक्सप्लेन करें, कैन एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम, वट एवर यू अंडरस्टैंड। फंक्शन, फर्स्ट वी डिफाइन द फंक्शन दैट इज द पास पासवर्ड लेंथ एंड देन वी रोट द पैरामीटर पास सॉरी जी, आगे देन वी रोट द पैरामीटर देन वी डिड द पैरामीटर एंड डिफाइन दैट्स डेटा टाइप दैट इज स्ट्रिंग एंड देन वी गिव द रिटर्न कमांड एंड इट्स डेटा टाइप इन इंटीजर्स देन वी गिव द रिटर्न वी रोट द रिटर्न अगेन एंड देन we wrote basically for the for length we wrote the return command for length and then the parameter which is a password and then we ended that function and then we wrote then
comes the program main, where we call the function basically, and then we use the ओके declare command. ठीक है We use the declare command for sim. Why did we write x here? ये वाला दिस वन, क्योंकि Yes sir. Yes sir. ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको कहीं स्टोर तो करना है ना। अब फर्ज करें इसने 3 रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया? 3। अली में कितने कैरेक्टर है? 3 आ रहे हैं ना। हमने पहले स्ट्रिंग को यहाँ पास किया है, इसने कैलकुलेट करके हमें 3, अब ये 3 कहीं स्टोर करना होगा ना। यू नीड टू हैव अ वेरिएबल, यू नीड टू हैव वेरिएबल, ठीक है, तो सो दैट दिस वैल्यू कैन बी स्टोर्ड। इसलिए हमने मेन के अंदर एक्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड दैट विल बी स्टोर हेयर। उसके बाद देखें आउटपुट एक्स हो रहा है, तो एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, मेन के अंदर प्रिंट होगी ये, ठीक है। ये लिंक समझ में आया? देखें यस सर, थैंक यू यहाँ पे, सर. हाँ यहाँ पे हम कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे भी अली की लेंथ बताओ, जो भी नेम आप यहाँ पे लिखेंगे ना, अपना नाम लिख लेंगे, तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर कैलकुलेट करके बताएगा। कौन करके बताएगा? ये लेंथ एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, लेकिन पहले हमें इसको वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ये हमने वैल्यू पास की यहाँ, ठीक है, और पास लेंथ एक फंक्शन है जो ये वैल्यू आपसे रिसीव करेगा, पहले यहाँ पर रिसीव करेगा और ये कंट्रोल यहाँ पे आएगा वहाँ। ये लेंथ एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पास में जितने भी करेक्टर हैं उसको काउंट करेगा, काउंट करके ये रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करने के बाद हमें उस वैल्यू को कहीं स्टोर करना है, तो बेसिकली हम वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर लें, यहाँ पे स्टोर होगी, उसके बाद हमने इसको प्रिंट करना है आउटपुट एक्स, तो हम इसको प्रिंट करेंगे। गॉट दैट? यस सर, थैंक यू सर. ये देखें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। मूसब आपको क्लियर है? नाफिल? यस सर. अब देखें पहला स्टेप यही हो रहा है, द पास लेंथ फंक्शन टेक अ स्ट्रिंग पास एज इनपुट, ठीक है, कॉल यानी उसको कोई ना कोई वैल्यू पास होना जरूरी है, वो हम मेन से पास करते हैं, और हमने इसके लिए वेरिएबल रखा हुआ पास, ठीक है, ये वैल्यू रिसीव करेगा। इट रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग द लेंथ फंक्शन। ये जो लेंथ फंक्शन है ना, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसका काम है नंबर कैरेक्टर को काउंट करना, तो ये इंटीजर फॉर्म में रिटर्न करेगा हमारा। इस ये जो हम फंक्शन पढ़े, ये हम पढ़ रहे हैं यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन, हम अपने फंक्शन बना रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ये बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे जो आपके आपके बुक में दिए हुए, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन। जो बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो पहले से बने होते हैं, एरर फ्री होते हैं, और वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे लेंथ एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसको जब भी हम कॉल करेंगे ये हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करके रिटर्न कर देगा। अब जो रिटर्न करेगा तो हमें वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना जरूरी है, उसके लिए हमने ये एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया। द स्ट्रिंग अली इज पास टू द पास लेंथ फंक्शन, ठीक है, पास लेंथ ने क्या किया, द फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ अली विच इज 3, द वैल्यू 3 स्टोर्ड इन द वेरिएबल। उस इस 3 को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया वेरिएबल से ही हम, क्योंकि वेरिएबल का मतलब है मेमोरी लोकेशन, वहां पे वैल्यू स्टोर होगी होल्ड, और वहीं से हम उसको शो ऑफ करेंगे ऑन स्क्रीन, द प्रोग्राम आउटपुट द वैल्यू ऑफ एक्स। यू गॉट दैट? इसमें कोई इश्यू? यस सर, ये देखें 3 रिटर्न कर दिया। अच्छा आप बताएं ये वाला प्रोग्राम हो जाएगा आप लोगों से? हाँ इंटरनेट का इशू तो यहाँ पे भी आ रहा है, पंजाब में तो खास तौर पर, लाहौर में तो बहुत ज्यादा है। ठीक है अब क्या कर सकते हैं, शुक्र है कि जूम चल रहा है। ओके ये जी स्टूडेंट ये बताएं कि अब ये चल जाएगा, सॉरी आप ये प्रोग्राम कर लेंगे? आई कैन ट्राई सर. जस्ट ट्राई। मूसा आप भी ट्राई करें, नौफिल आप भी ट्राई करें, एक सेकेंड ओके में। सर।
मूसा आपने कर लिया, आपका माने किसी हद तक ठीक है, ठीक है, एक तो मिस्टेक्स है। जी मूसा मैं पूछ रहा था, आपने कर लिया। जी मूसा आपने कर लिया, चैट पे आंसर दे दें। ओके मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लें। सबसे पहले आपने फंक्शन लिखा, नेम लेंथ फंक्शन का नाम रख दिया, मैं साथ साथ प्रोग्राम चेक कर लेता हूँ। ओके ये माने आपकी ये वाली लाइन बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट लाइन जिसको हम हैडर कहते हैं, फंक्शन के अंदर हैडर होता है, नेम लेंथ नेम, ठीक है, पैरामीटर आपने नेम दे दिया, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रखी हुई आपने, ठीक है, और रिटर्न इंटीजर भी, यहाँ तक आपका बिल्कुल ठीक है। फिर हमने लॉजिक लिखनी है कि ये रिटर्न कैसे करेगा, मतलब कैलकुलेट कैसे करेगा। अच्छा अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, हमने ये नेम कॉल किया, नेम लाइन फंक्शन का नाम है, यहाँ से हमने वैल्यू सप्लाई की इसको नेम को, ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ नेम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू पास हुई नेम को, अब लेंथ ने वैल्यू रिटर्न की और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और हमने डायरेक्ट रिटर्न कर दिया लेंथ ऑफ नेम, जब रिटर्न किया तो ये जेड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉल किया, ठीक है, ये हमने सेकेंड टाइम कॉल किया सी एस के नाम से, तो ये वैल्यू यहाँ पे दोबारा नेम के पास गई, इसने नेम को रिटर्न की, इसने इसको दो कैरेक्टर रिटर्न कर दिए और इसको रिटर्न किया, तो ये जेड में स्टोर हो गया, सॉरी वाई में स्टोर हो गया, यानी जब पहले हमने इसको कॉल किया, कॉल द नेम लेंथ फंक्शन विद द स्ट्रिंग ए जेड आई जेड ए एच एम ई डी एंड स्टोर द रिजल्ट इन जेड, इसके लिए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, आपने एक अगर एक किया तो ठीक है, आपने रिटर्न लेंथ क्यों लिखा है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, तो वो कैलकुलेट करके रिटर्न करना होगा ना, बाकी आपने ठीक किया, मेन के अंदर एक आपने वेरिएबल एन के नाम से ले लिया, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है, आउटपुट एन, लेकिन उससे पहले आपको ये वाली लाइन लिखनी है ना, जो वो रिटर्न करेगा यहाँ से आपको वैल्यू सप्लाई भी करनी होगी, यानी जिस स्ट्रिंग की आपको लेंथ चाहिए वो पहले आप यहाँ से इसको सप्लाई करेंगे, तो ये लेंथ फंक्शन रिटर्न करके इसमें स्टोर कर देगा, ठीक है, स्टोर करने पर उसने हमने कहा रिटर्न लेंथ ऑफ नेम, जब रिटर्न किया तो इसने जेड में स्टोर कर दिया, जेड को पहले हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, ये मैंने दो दफा कॉल किया, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आपने एक दफा किया वो भी ठीक है, तो कॉल करने का पर्पज है कि हम मैनी टाइम्स कॉल कर सकते हैं, तो देखें यहाँ पे आउटपुट जेड कर दिया, ये आपका ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ना वैल्यूज एक वेरिएबल डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, वो भी आपने कर दिया, लेकिन आपने कॉल नहीं किया, की मानिए, ये मिस्टेक समझ में आई आपको, और यहाँ यस पे सर, आपको लेंथ का फंक्शन भी यूज करना है, बिल्डिंग फंक्शन, जो कि वैल्यू रिटर्न करेगा, जो काउंट करके बताएगा कितना कैरेक्टर आपको आपने पास किया। जी मूसा आपका प्रोग्राम सही है, आपने भेजा नहीं मुझे, माफिल आपने भी नहीं भेजा, जी मूसा आप बोले।
कॉल हम एंड में करते हैं ना। हाँ कॉल मेन के अंदर करते हैं ना, यहाँ पे यहाँ से कॉल, जैसे ये कॉल हो रहा है, आपने कोई ना कोई वैल्यू, सब कॉल करने का मतलब है कि आप कोई वैल्यू पास करें, जब वैल्यू पास करेंगे तो फंक्शन कोई काम करेगा ना। तो मैंने इस ये वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ये इसको सप्लाई की है, नेम लेंथ को, नेम लेंथ ने यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न की है। इसने एक वेरिएबल भी ले लिया, लेंथ ऑफ नेम के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और जो भी इसने यहाँ पे लेंथ, अभी लेंथ एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा नेम लेंथ एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और ये जो लेंथ है ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमें कैलकुलेट करके बता रहा है जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही नेम के अंदर, जो भी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे पहले इधर गई, ठीक है, और इसने इधर रिटर्न कर दी। इसने कैलकुलेट किया लेंथ फंक्शन ने, इसने एक वेरिएबल लेंथ अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नेम में स्टोर कर दिया, क्योंकि दोनों डिफरेंट होने चाहिए। फिर हमने कहा रिटर्न लेंथ ऑफ नेम, रिटर्न किया तो इसने जेड में स्टोर कर दिया, और यहाँ पे हमने इसको आउटपुट कर दिया। नौफिल आप कहाँ पे हैं? सर मैं इधर हूँ। सर आपको समझ में आया क्या हुआ इसके अंदर? ये हाँ बताएं, ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट समझ में आई? प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है इनपुट नेम ऑफ स्टूडेंट एंड रिटर्न इट्स लेंथ। तो हमने यहाँ पे नेम ऑफ, यानी कोई भी नेम यहाँ से इनपुट किया, ये वैल्यू सप्लाई की, और हमने उसने लेंथ स्टोर कर, उसने लेंथ आपको रिटर्न कर दी, ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई इशू? नो अच्छा सर, मगर सर ओके, अब ये मुझे एक जगह पे सर, सर ठीक है, ठीक क्या है इशू है? ये जो लास्ट वाला है ना, आउटपुट द वैल्यूज ऑफ जेड एंड वाई, यहाँ से मुझे समझ नहीं आई। देखो जब वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ना, यहाँ पे वैल्यू रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, ये कितने कैरेक्टर हैं? चले इसके बताएं, सीएस में कितने कैरेक्टर हैं? सीएस में कितने कैरेक्टर बताएं? टू। सर टू, तो ये कौन, ये जो इसी टू को रिटर्न करने के लिए ये हमने प्रोग्राम कोड राइट किया हुआ, ठीक है ना? तो यहाँ से आप सीएस इसको पास करेंगे, ठीक है, लेंथ बताएगा सीएस में दो कैरेक्टर, दो कैरेक्टर वो यहाँ स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, और ये इसको रिटर्न कर देगा, रिटर्न जब करेगा तो वैल्यू मेन के पास जाएगी, मेन मेन किस में स्टोर करेगा? वाई में स्टोर करेगा। तो हमने कहा आउट, फिर हमने इसको शो करना है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे आउटपुट वन, तो शो करने के लिए आउटपुट वाई लिख देंगे। यानी कोई काम ऑटोमेटिकली नहीं होता, हमें हर काम कंप्यूटर को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है? सर थैंक यू सर। अब देखें, ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम आ गया, ये कह रहा है क्रिएट अ फंक्शन दैट विल टेक पासवर्ड एज पैरामीटर एंड रिटर्न ट्रू इफ पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग, नेम ऑफ फंक्शन विल बी पास चेक, ये फंक्शन का नाम ये रखना है। अब जो वैल्यू हम पास करेंगे, जो पासवर्ड हम पास करेंगे, उसके कुछ पैरामीटर हैं, यानी कुछ रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट एट और मोर करेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, यानी बिलो एट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन कैपिटल कैरेक्टर, आपके पासवर्ड में एक कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, एटलीस्ट टू लोअर केस होने चाहिए, ठीक है, पासवर्ड में, और एटलीस्ट थ्री डिजिट होने चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है कि जो आप वैल्यू पास करेंगे उस, एक तो बिलो एट नहीं होने, जब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, ये कह रहे हैं ट्रू रिटर्न ट्रू, जब ये चारों क्राइटेरिया मैट कर रहे होंगे, पासवर्ड बिलो एट नहीं होना चाहिए, पासवर्ड में एक लेटर, एटलीस्ट एक लेटर कैपिटल वर्ड में होना चाहिए, और दो लोअर केस में होने चाहिए, और तीन डिजिट में होने चाहिए, इसका हम ये डिस्कस करेंगे। जी देखो, हम चैप्टर 7 और 8 एक साथ कर रहे हैं, ये जो बिल्ट इन फंक्शन हम करेंगे ना कल, वो चैप्टर 8 का ही पार्ट है, ये फंक्शन जो हम कर रहे हैं ना, ये चैप्टर 8 का ही पार्ट है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था ना, 7 और 8 एक साथ चल रहे होते हैं, तो 8 में सिर्फ ये है कि वो उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ से डिस्कस किया हुआ है। अभी तो इसका एरे बाकी है, फाइलिंग बाकी है, वो भी करना है, तब तब आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े, ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई सबको, ये स्टूडेंट्स? यस सर।
सर मुझे भी समझ। ओके ओके तो एक सेकेंड, अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि इसको हम कैसे बिल्ड करेंगे। थोड़ा लेंथी है, देखें इस तरह की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है। सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन का नाम लिखा, और एक पैरामीटर हमने पास से ले लिया जो वैल्यू रिसीव करेगा, कॉलन और इसकी डेटा स्ट्रिंग, और ये रिटर्न करेगा बूलियन, क्योंकि हमने ट्रू और फॉल्स बता रहे हैं, ट्रू है या फॉल्स, तो इसके लिए डेटा टाइप क्या होती है, बूलियन। एक कैरेक्टर हमने सी एच के नाम से ले लिया, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रख ली, और अब हमने डिक्लेयर किया क्योंकि हमें काउंट करवाना होगा वैलिडेट करने के लिए। बेसिकली हमें वो, मैंने तीन वेरिएबल ले लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, एक होगा काउंट अपर, एक होगा काउंट लोअर, और एक होगा काउंट नंबर। क्योंकि अगर आप पीछे जाएं तो उसने कहा है कि आपके पासवर्ड में एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर होना चाहिए, यार मुझे काउंट करवाना पड़ेगा जब भी वैलिडेट होगा, दो लोअर केस होने चाहिए और तीन डिजिट होने चाहिए। इसके लिए हमने तीन वेरिएबल ले लिए जिसके अंदर मैं इनको काउंट करवा के स्टोर कर दूँ। तो अगर आपको याद हो, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हमने काउंट करवाना हो या टोटल करवाना हो, उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू जीरो होगी। देखिए, काउंट अपर जीरो कर दिया, इनिशियलाइज में जीरो कर दिया, काउंट लोअर जीरो कर दिया, काउंट नंबर जो है हमने जीरो कर दिया। ये हमने जीरो इसलिए कर दिया कि अगर मेमोरी में पहले से इनके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई था तो वो इनिशियलाइज में जीरो हो जाए। ठीक है, समटाइम होता है कि वैल्यू आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसको इनिशियलाइज में जीरो कर दें ताकि कोई बग्स ना आए, कोई इशू ना आए, हमारी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ तक सबको क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ू, ये बताएं यहाँ तक क्लियर है? ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिया, फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज हमने यूज करनी उनको हमने इनिशियलाइज में जीरो भी कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, अच्छा, अब देखें जब इसको वो वैल्यू पास होगी तो वो ये वैल्यू यहाँ पास होगी। ठीक है, पास, ये पास वेरिएबल, ये ट्रांसफर करेगा इधर। अब एक लेंथ हमने पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये डिटरमिन करेगा कि पास के अंदर कितने करेक्टर हैं। उसने डिटरमिन किया, अगर फर्ज करें कोई आपने पासवर्ड उसको सप्लाई किया तो इसको चेक करेगा कि वो लेस, पहला क्राइटेरिया क्या था कि वो ग्रेटर देन ए इक्वल टू 8 या ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। तो यहाँ चेक कर रहा है, इफ लेंथ ऑफ पास लेस देन 8 देन रिटर्न फॉल्स, आपका प्रोग्राम यहीं से रिटर्न हो जाएगा क्योंकि आपने बिलो 8 करेक्टर वैल्यू, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ करेक्टर पास किए हैं पासवर्ड के लिए। मैं लाइन बाय लाइन पूछता जाऊंगा ताकि आपको क्लियर होता रहे। अब ये कोड समझ में आया कि हमने ये लाइन क्यों लिखी है? मानी आप बता सकती हैं ये लाइन हमने क्यों लिखी है? जी मानिया, आर यू देयर? यस सर, कैन यू हियर मी? यस, आप मुझे बताएं ये लाइन जो हमने लिखी है ये आपको समझ में आ रही है? जी इफ द ये इफ कंडीशन वाली, जी इफ लेंथ ऑफ पास लेस देन 8, ये हमने क्यों लिखी है? हमने एक पीछे रिक्वायरमेंट रखी थी ना, याद है? ये देखें, ये हमने इसके लिए लिखी सर कैन यू हियर मी? है। यस, आई एम, आई कैन हियर यू। Sir, my internet is bad. It keeps ओके disconnecting, so you may not be able to hear me when I unmute myself. ओके, अच्छा अभी आप, कैन यू रीड दिस रिक्वायरमेंट, जस्ट गो थ्रू दिस वन, इसको This अच्छी one, तरह, हाँ इसको पढ़ ले okay, अच्छी sir. तरह। Sir, done. Sir, done, sir. ओके अब मुझे बताएं कि हमने सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया पास चेक के नाम से, पास एक वेरिएबल है जो वैल्यू रिसीव करेगा मेन प्रोग्राम से, पासवर्ड रिसीव करेगा, उसकी डेटा स्ट्रिंग है और रिटर्न बूलियन करेगा, क्योंकि हमने ट्रू और फॉल्स करना है क्योंकि पासवर्ड हमने पास किया है वो वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड किस बेस पे था कि एक तो उस जो पासवर्ड हम पास पासवर्ड में जो वैल्यू पास करेंगे वो ग्रेटर देन 8 होने की। मुझे पूछना था कि ये लाइन आपको समझ में आ रही? यस सर, ये वो कंडीशन है सर. यहाँ ये फर्स्ट कंडीशन है ना, नॉफिल आपको समझ में आ रही है? क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है ना तो मैं
साथ साथ पूछता जाऊंगा। ये नॉफिल एंड मूसा आपको, यस सर। ठीक है, ये यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा पासवर्ड below 8 तो नहीं है, क्योंकि below 8 होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है, ठीक है। उसके बाद अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, देखें आपका पासवर्ड क्या है, greater than 8 है, greater than 8 है, अब हम ये कंडीशन ट्रू है यानी पासवर्ड below 8 नहीं है, तो अब आ जाएंगे एल्स के ऊपर। यहां पे हम लूप चलाएंगे फॉर x 1 2 लेंथ ऑफ पास। तो हमने देखें पास की जो भी लेंथ होगी उतने टाइम ये लूप चलेगा, वो पासवर्ड को वैलिड लूपिंग करेगा कि उतने टाइम लूप चलेगा, क्योंकि हमने एवरी करेक्टर को एवेल्युएट करना है। अच्छा अब देखें, फर्ज कर लें कि ये पास के अंदर हमने एक पासवर्ड लिखा, कितने पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, मैंने कहा जेड, ठीक है, फिर मैंने कहा 3 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 ABC, ठीक, 4 करेक्टर की 9, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे अब सब स्ट्रिंग एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये मैं कल डिस्कस करूंगा फर्दर, लेकिन आज भी डिस्कस कर रहा हूँ। सब स्ट्रिंग एक बिल्ट इन फंक्शन है जो स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर पिक करेगा, सबसे पहले वो जेड को पिक करेगा, जेड को पिक किया तो यहाँ पे CH के अंदर हमने स्टोर कर दिया, हम इसको कंपेयर करेंगे, जेड कैपिटल है, ये माइंड में रखिएगा, जेड कैपिटल है, इफ CH ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड CH लेस देन इक्वल टू जेड, ठीक है। अगर करेक्टर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक कोई करेक्टर एग्जिस्ट करता है पासवर्ड के अंदर, तो वो काउंट अपर कर देगा, काउंट अपर इक्वल टू अपर काउंट अपर +1, यानी काउंट अपर को अपडेट कर देगा। अब मुझे बताते जाइएगा कि ये आपको ये बात समझ में आई या नहीं, ये चेक करेगा कि यस सर। आपके पासवर्ड में कोई लेटर कैपिटल है या नहीं है, क्योंकि उसको minimum 1 तो होना चाहिए, minimum 1 तो होना चाहिए, अभी फिलहाल मैंने 1 ही रखा है, तो ये काउंट अपर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बाकी कोड बाकी कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है, ये वापस जाएगा इसके बाद, फिर सब स्ट्रिंग के पास जाएगा, अब ये 1 को पिक कर लेगा, 1 को पिक करेगा CH में स्टोर कर देगा, तो इसका मतलब ये हुआ अब फर्स्ट जो जो कैपिटल करेक्टर वाली जो कंडीशन है वो मैच नहीं करेगी, वो इस else पे आ जाएगा, ये भी मैच नहीं करेगी तो इस पे आ जाएगा, कि आपका जो करेक्टर है वो greater than 0 है और less than 9 है, तो ये कंडीशन मैट हो रही है, 1 तो काउंट नंबर को अपडेट कर देगा, ये पॉइंट क्लियर, यस सर। ठीक है ना, 1 को भी अपडेट, 2 3, तो इसका मतलब जब ये अब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो 2 2 को काउंट अपर में डाल देगा, यानी अब काउंट अपर की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर फोर्थ टाइम लूप चलेगा तो 3 को काउंट कर लेगा, तो काउंट में 3 स्टोर हो जाएगा, काउंट एन में 3 स्टोर हो जाएगा और काउंट अपर में 1 स्टोर हो जाएगा। अभी 4 दफा लूप चल गया, 5वीं दफा लूप चलेगा तो इन करेक्टर को काउंट करेगा, जब ये 5 करेक्टर यानी कंप्लीट हो जाएंगे तो काउंट लोअर में 5 स्टोर हो जाएगा इस तरह, ठीक है, काउंट अपर में 1 स्टोर हो गया, यानी काउंट लोअर में 5 स्टोर हो गया, क्योंकि 5 करेक्टर लोअर देन है, लोअर केस में है और काउंट एन में 3 डिजिट आ रहे हैं, तो ये कंडीशन एवरी एस्पेक्ट से मैट हो रही है। जब ये लूप कितने टाइम चलेगा, 9 टाइम चलेगा, ठीक है, 9 टाइम, क्योंकि तो आपका पासवर्ड 9 9 डिजिट का है, 9 करेक्टर का है। जब ये लूप से बाहर आएगा, अभी हम फर्दर आगे जा रहे हैं, तो जब हम लूप से बाहर आएगा तो यहाँ पे इसको ये कंडीशन को मैच फिर से चेक करेगा, इफ काउंट अपर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन मैट हो रही है, एंड काउंट लोअर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड काउंट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, तीनों कंडीशन मैट हो रही है, तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, एल्स रिटर्न फॉल्स कर देगा, जब रिटर्न फॉल्स करेगा तो ये आपसे कहेगा दोबारा पासवर्ड इन करें, समझ आई बात, यस सर। ऑलमोस्ट टाइम भी ओवर हो गया, तो इसकी वीडियो भेजूंगा, इसको दोबारा देखिएगा, आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू यूज फंक्शन विद पैरामीटर, कल हम इसके बिल्ट इन फंक्शन करेंगे, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि चैप्टर 8 एक दफा खत्म हो जाए, चैप्टर 7 और 8, ठीक
फिर मैं चैप्टर 10 पे आ जाऊंगा, क्योंकि मूसा ने हाईलाइट किया है, ठीक है, तो सारे चैप्टर कवर अप करेंगे, डोंट वरी। ये माने आपको समझ में आ गया फंक्शन, ये रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। इज दिस क्लियर? काफी आज के लिए, ओके, अल्लाह हाफिज। नाफिल, अल्लाह हाफिज। हाँ।